गुड मॉर्निंग यू एवरीबॉडी। एक्चुअली दिस इज इनविटेशन फॉर योर वेनसडे। वेनसडे में हम लोग एक वेंडर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस चैनल पार्टनरशिप के लिए हम लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि वेंडर्स के लिए पूना से, नागपुर से, इवन आपका अलीबाग से लोग आ रहे हैं। हमने जो लैंड एक्विजिशन किया हुआ है, फिलहाल का हमारा जो लैंड पार्सल है महाराष्ट्र में, पहला ही लैंड पार्सल 1000 एकर का है, ओके। और हमारा जो आगे लैंड पार्सल का एक्विजिशन है, ये कम से कम आगे जाके 10000 एकर का हमने प्लान किया हुआ है। अब इसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में बता दूँ, इसके पीछे ये जो लैंड एक्विजिशन का काम हुआ है, इसमें हम लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपको फ़ायदा होगा, कैसे उनको लोगों को फ़ायदा होगा और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ावा दे सकते हो। ये जो लैंड एक्विजिशन है ये 1000 एकर का है, रेडी टू रजिस्टर लैंड है आपके कस्टमर्स के लिए, हैसल फ्री, क्रिस्टल क्लियर पेपर वर्क है, कॉर्पोरेट्स ने ये काम लिया हुआ है और मैंगो फोक्स नाम का जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में लॉन्च हो रहा है। इसी तरह का प्रोजेक्ट कुछ साल पहले अगर आप देखोगे मैंगो का प्रोजेक्ट, तो मैंगो फार्म का प्रोजेक्ट वो रिलायंस ने लॉन्च किया था 600 एकर पर, जो कि एक्सपोर्ट मैंगोज बनते हैं। आप जब देखोगे कि ये जो मैंगोज प्लांट पे होंगे वो एक्सपोर्ट टाइप के मैंगोज होंगे 0.1, इसमें पैसिव इनकम आपका होगा 0.2, आपके कस्टमर्स का होगा 0.2, 0.3 होगा कि लैंड एप्रिशिएशन आपको मिलेगा, 0.4 ऐसा होगा कि इसमें कम्युनिटी फार्मिंग होगा और सारा फार्मिंग का जो टेक केयर का जिम्मेदारी है वो खुद मैंगो फोक्स करने वाली है, राइट। आई एम GM इन मार्केटिंग टू हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट। हम आपको BKC में हमारे ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, जहाँ पर कि हम लोग एंटायरली आपको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करें, उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर्स, फ्यूचर में आपको किस तरह से इसका फ़ायदा होगा और आपके कस्टमर आपको कैसे जुड़ेंगे। ये है कम्युनिटी फार्मिंग का प्रोजेक्ट। अब मैंने आपको उसके फीचर्स के 5 पॉइंट बता दिए किस तरह से। अब इससे हम लोग इस तरह के CP टारगेट करते हैं जो हमारे पास काफ़ी सालों तक काम करते रहे, बिकॉज ये अपग्रेड होते रहेगी लैंड समय। फिलहाल हमने जो स्टार्ट किया हुआ है पॉइंट है, वो पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है ये है मानगांव गोवा हाईवे से शुरू कर रहे हैं। अब जो मानगांव गोवा हाईवे है वहाँ से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉइंट्स, अब इसकी कुछ पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं इसके अंदर इन्वॉल्व लोग कैसे हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं सारे के सारे, एग्रोस्मिथ साइंटिस्ट है जो मैंगो को किस तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी के मैंगो से बनाएंगे, ये कोई लोकल मैंगोज नहीं होंगे जो एक्सपोर्ट अलग अलग देशों में जाएंगे, ओके। यहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ जाएगा और इसमें लुक्रेटिव ROI है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके सामने वाले पार्टी को, पैसिव इनकम के लिए है। और जहाँ हमारा जो कैलकुलेशन है जो हमने मैट्रिक्स किया है, आफ्टर 5 ईयर टू 20 ईयर्स उस बंदे को एटलीस्ट मोटा मोटी में, जो हम लोग ने मार्केट का एनालिसिस किया हुआ है, मार्केट रिपोर्ट चेक किए हुए हैं, मैंगो फार्मिंग का ट्रेडिशनल बिजनेस चेक किए हुए हैं, तो उस आदमी को उस फार्मिंग से फर्स्ट 5 ईयर छोड़ने के बाद 5 to 15 ईयर्स तक आने वाले 6 करोड़ की आमदनी की प्रॉस्पेक्टस है। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे जो लोग हैं वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आप देखोगे कि गणेश गोखले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुल्स, हर जैन कोकर स्टेट के MD जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और साथ में इनके पास जो टीम्स है वो जो टीम है एग्रो साइंटिस्ट, एग्रोस्मिथ्स प्लस इरिगेशन सिस्टम्स के प्रोफेशनल्स, और उनके पास जो फर्टिलिटी के डिपार्टमेंट के जो फर्टिलिटी डिपार्टमेंट होता है एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके हेड इससे जुड़े हुए, एक्सपोर्ट चैनल्स इससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने सारा बिजनेस ऑलरेडी सेट किया हुआ है कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, किस तरह से मैंगो का टेक केयर किया जाएगा, और इस इज़ वन काइंड ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंगो का बागान आ रहा है बीच में कुछ और है, ये हम लोग ऐसे लोग जमा कर रहे हैं कुछ कस्टमर जो लोग कि
पे बैक टू सोसाइटी कॉन्सेप्ट पे वो लोग रह रहे हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि वो कस्टमर जो है जिनको फार्मिंग में इंटरेस्ट है और वो लोग अपना खुद का मैंगो का फार्म चाहते हैं मुंबई के आसपास। अब लोकेशन जो है इसका काफ़ी नज़दीक है, मेरे ख्याल से अलीबाग से सेंटर पॉइंट पड़ता है ये, और अलीबाग से सेंटर पॉइंट पड़ता है इस लोकेशन का। उसके अलावा आप देखोगे कि मुंबई गोवा हाईवे के सेंटर पॉइंट में पड़ता है, या पुणे के लोग हैं इसमें कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा है कि हम लोग ने कुछ सिटी पैनल्स हम लोग जो बना रहे हैं उसके लिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि जो लैंड पार्सल है वो 1 एकड़ का है, 1 एकड़ पे हम लोग का 400 मैंगो फार्म्स का मैंगो की झाड़ हम लोग उस कस्टमर्स को करा के देंगे, और ये 20 साल तक का कंपनी जो है इसका जिम्मेदारी लेगी कि किस तरह से वो फार्मिंग का किस तरह से वो मैंगो एक्सपोर्ट होगी। कंपनी अब तक मिलकर कर रही है, ये पहली ऐसी कंपनी जो अब तक मिलकर काम कर रही है जिससे आपको भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो। अब कंपनी जब अपना इन्वॉल्व हो क्योंकि प्रोफेशनल टीम है तो एटलीस्ट उन लोग का जो टीम पूरा टेक केयर करेगा, आपको उसमें इतना देखने की जरूरत नहीं है। आप आ सकते हो वहाँ पर एवरी 3 महीने के, जब भी आपको आना है आप आके आपके फार्म का देख रेख कर सकते हो। जमीन डायरेक्ट आपके नाम पर ही है, लैंड जो है रेडी टू रजिस्टर्ड है, तो ये लैंड आपकी होगी। सिर्फ प्रोजेक्ट जो है हम लोग लगा रहे हैं, अभी लोग क्या लैंड लेते हैं लेकिन उसके ऊपर क्या करना है लैंड ऐसे रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा उसको आपके कस्टमर को पैसिव इनकम चालू हो जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑफ